नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल का खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी पूजा। और आज हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे बल्कि आज हम खादी पर चर्चा करेंगे। खादी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रांची के मोराबादी मैदान में खादी मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में खादी से जुड़े कई सारे प्रोडक्ट जो हैं और कपड़े जो हैं वो मौजूद हैं। और खादी का जिक्र हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि महात्मा गांधी ने खादी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था और वो खादी के कपड़ों का काफ़ी इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल के दौर में लोग ब्रांडेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ब्रांडेड चीज़ें तो अच्छी होती है, लेकिन अगर हम खादी की बात करें तो खादी जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है। पूजा, चूँकि आज हम लोग खादी मेले में जा रहे हैं हमारी टीम जो है, और खादी पर चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि खादी भले एक कपड़ा है लेकिन खादी जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। चूँकि महात्मा गांधी जो है वो खादी के वस्त्र पहनते थे, खादी की बुनाई भी वो करते थे, तो आज हम लोग उस मेले में जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए रेखा, अगर साफ तौर पर अगर खादी मेला एवं सरस मेला की बात करेंगे तो ये काफी खूबसूरत सा एक मेला जो है वो राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में लगता है। हर साल ये ठंड के मौसम में आता है और कई सारे लोगों को खूबसूरत कपड़े जो है वो खरीदने की मौका जो है वो देता है। उसमें सभी तरीके की चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, चाहे वो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर खादी के कपड़ों की या फिर खादी के जो यहाँ पर सूट के कपड़े होते हैं, सिले सिलाई भी होते हैं और कई सारे जो है वो इसमें यहाँ पर सिलवाने के लिए भी होते हैं। तो रेडीमेड हो या फिर सिलवाना हो, सभी चीजें जो है वहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ खादी के मेले में खास तौर पर यहाँ पर झारखंड की जो परंपरा है, आदिवासियों का जो पहनावा है वो भी हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है। कई सारे खाने की जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती है। अगर हम लोग यहाँ पर कई अगर अलग अलग ब्रांड्स की बात करेंगे तो वो वहां पर मिलता है जिसे खादी में जोड़ा गया है, एक अटैच किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो काफी अच्छी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। रेखा, चलिए पूजा, तो आज हम यही कोशिश करेंगे जो हमारे दर्शक हैं उन्हें हम खादी की के कपड़ों के साथ साथ जो झारखंड की पारंपरिक चीजें हैं उनसे हम उन्हें रूबरू कराएं और इस मेले में हम खुद भी उसका लुत्फ लें और दर्शकों को भी लुत्फ कराएं। तो चलिए फिर स्कूटी रिपोर्टिंग में आप हमारे साथ खादी मेला। हम लोग आ चुके हैं खादी सरस मेले में और खादी सरस मेले में सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ खादी के ही सामान मौजूद नहीं है बल्कि अलग अलग तरीके के सामान भी मौजूद है। इस वक्त हम जिस झूले में बैठे हैं, ये झूला जो है वो बच्चों को काफी पसंद आएगा। पूजा, तो हमने बाजार में कई सारी चीजें दिखाई, अभी हम लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि खादी अब सिर्फ खादी के कपड़ों के लिए नहीं बल्कि कई सारी चीजों के लिए फेमस है। जी हाँ, देखिये राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव जो है वो ऐसे तो अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो लगभग 17 से 18 दिनों तक लगता है, लेकिन इस बार मात्र 6 दिनों का ये पूरा महोत्सव था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हॉकी चैंपियनशिप जो है वो हो रहा है और यहाँ पे कई देशों से लोग पहुंचे हुए, तो हम लोग जरूर अपने दर्शकों को ये भी अपील करेंगे कि ये पूरी तरीके से फ्री होगा और सभी लोग जो है वो इस हॉकी का मजा जो है वो मोराबादी में आकर के ले सकते हैं। जो यहाँ पर हॉकी स्टेडियम है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसका आप पूरा तरीके से चीजों को देख सकते हैं और यहाँ से जो भी क्वालिफाई करेंगे वो हम लोगों को नेशनल्स में देखने को मिलेंगे। लेकिन रेखा, हम लोग वापस खादी पर लौटते हैं और ये 6 दिनों का था इसलिए भी कई सारे लोग जो है वो इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि इस बीच में यहाँ पे सैटरडे और संडे नहीं आया था क्योंकि वीकडे जो वीकेंड्स होते हैं उसमें लोग ज्यादा आना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू वीकडेज, क्योंकि वीकडेज में लोगों के पास समय नहीं होता है, काम होते हैं, तो लोग इन दिनों
खेलों का ज्यादा इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार हॉकी चल रहा है, इस वजह से लोगों को ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा। होने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो हम अपना ये प्रोग्राम स्कूटी रिपोर्टिंग रांची की सड़कों पर लेकर आए हैं, ताकि जो लोग नहीं कुछ चीजों को देख पाते हैं उसे हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से दिखाएं। तो चलिए फिर हम आपको सीधे बाजार की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस बाजार में क्या क्या जो है वो आए हुए हैं और किस तरीके के स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं, जहां से लोगों ने जम जम करके खरीदारी कर ली है। तो चलिए फिर अच्छा रहा है मैम। रिस्पॉन्स कैसा रहा खरीदारी का? खरीदारी थोड़ा कम ही है, कम दिन का मेला था, बहुत 6 दिन का था, फिर भी सही रहा है। सही रहा। लगभग कितना का सेल हो गया होगा? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का हो गया। तो जो आप लोग यहाँ रेंट देते वो निकल गया? जी वो निकल गया। तो लगा क्योंकि खादी मेला काफी समय समय पर लगता है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जगह जगह से लोग आते हैं, जगह जगह का हम लोगों को सामान देखने को मिलता है और अच्छा लगता है। क्वालिटी कैसी लगती है आपको? अच्छा लग रहा है। कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। और जो प्राइस की अगर बात करेंगे तो वो आपको कैसा लगता है? हाई रेट भी रहता है, लो रेट भी रहता है, ये लोग फिर ये लोग तो बार्गेन बहुत करते हैं। भैया ये कितने का है? बार्गेनिंग है। ये कितने का है? कैसा रिस्पॉन्स रहा यहाँ के लोगों का? अच्छा रिस्पॉन्स था, मगर ये जो 15-17 दिन का होता था, अगर वो होता तो सुपर डुपर जाता, मगर फिर भी जो है ऊपर वाले का शुक्र है कि अच्छा ही गया। मेजरमेंट जो है खादी बोर्ड जो खेल है अच्छा किए हैं, थोड़ा बैठ जाए और सिर्फ खेल की वजह से थोड़ा सा ही मेला का जो है डिस्टर्ब से हुआ। लेकिन अगर बात करेंगे तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए उत्तर प्रदेश यूपी से, भदोही। यूपी से? जी भदोही जिला से। आप लोग रेंट यहाँ पर देते हैं जो एरिया का, क्या वो पूरा रेंट निकल गया इस खादी मेले से? हाँ रेंट निकल गया, हाँ मगर प्रॉफिट नहीं हुआ, मगर रेंट आ गया जिससे मेहनत घर से नहीं गया है। जाके ठीक है। रिस्पॉन्स कैसा रहा था इस बार खादी मेला का? कम समय था इसलिए मिला जुला के ठीक ही ठाक था। वैसे तो हर साल 15 दिन का 18 दिन का मेला लगता था, इस बार तो 6 रोज का ही लगा हुआ था। अब फिर भी उस मिला जुला के मान लो लोगों को उतना कमाई नहीं हुआ, मगर खर्चा किराया लोगों का निकल गया है, ठीक ठाक है। चलिए अब अगले नेक्स्ट बार देखते हैं क्या होता है। मैम कैसा रहा खादी मेला, क्योंकि आज आखिरी दिन था और मतलब सभी अब जाने लगे, लेकिन कैसा रहा खादी मेला? एकदम बढ़िया था, हर साल अच्छा ही लगता है। लेकिन इस बार काफी कम समय दिया गया खादी मेला को क्योंकि हॉकी का मैच भी चल रहा है। हम लोग तो आज लास्ट दिन था, हम लोग को पता ही नहीं था कि आज उठ जाएगा, हम लोग तो आज ही आए, आज ही आए और सबको जुड़ के आए हैं, तो देखें वैसे ओवरऑल अच्छा ही था। तो रांची के मोरहाबादी मैदान में खादी सरस मेला जो है वो लगा था, जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने लगातार आखिरी दिन भी जो है वो जमकर खरीदारी की। और सबसे अच्छी बात है कि खादी के मेले में सिर्फ खादी नहीं बल्कि खादी के अलावा जो झारखंड की पहचान है, जो यहाँ की पारंपरिक चीजें हैं, उनका लुत्फ भी जो है वो साफ तौर पे मेले में देखने को मिला और काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का देखने को मिला। जो दुकानदार भी पूजा आए हुए थे उनका भी यही कहना था कि खरीदारी जो है वो अच्छी रही और जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था यहाँ आ करके वो पूंजी जो है वो उन्हें मिल गई है वापस। तो क्या कहिएगा आप? देखिए रेखा, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों को प्रॉफिट तो नहीं निकला, लेकिन जो खर्च जा रहा था वो जरूर पूरा हो गया था और वो निकल गया था, इसलिए उन लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। वही दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो लोगों ने भी कहा कि अगर ये वही पुराने दिन अगर रहते, जो 17-18 दिनों का अगर जो मेला लगता है अगर वो रहता, तो शायद ये प्रॉफिट जो है वो ज्यादा निकलता हम लोगों को, जो प्रॉफिट नहीं निकल पाया है। तो लोगों ने तो लुत्फ उठाया ही, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हुए थे वो लोग भी लगातार जो है वो पूरी तस्वीरों को दिखाते हुए नजर आए कि हाँ हम काफी खुश हैं, बहुत सारी चीजों को खरीदारी वहाँ पे लोगों ने किया, प्राइस रेट जो है अलग अलग देखने को मिला, तो सभी चीजें जो सामान्य थी वो देखने को मिली। और सब बस एक ही चीज जो लोगों को बुरी लगी वो यही था कि मेला जो है वो काफी कम दिन का था, 6 दिन का था, थोड़ा मेला जो है लंबा रहता तो और ज्यादा प्रॉफिट जो है वो हो पाता। तो कोई बात नहीं, हमारी टीम ने भी काफी इंजॉय किया खादी सरस मेले में और हमने भी लोगों को दिखाने की कोशिश की कि आखिर इस मेले की खासियत क्या है और क्यों इस मेले की इतनी डिमांड जो है वो राजधानी रांची में इतनी ज्यादा हर साल जो है वो देखने को मिलती है। तो स्कूटी रिपोर्टिंग में हमने आपको खादी सरस मेले के बारे में बताया और साथ ही दिखाया कि कौन से स्टॉल लगे थे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। नमस्कार।